सेफी चेयरमैन और बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर की दिल्ली में सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश से हुई चर्चा सार्थक रही। बैठक में बीएसपी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। ओए अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश को सेवानिवृत्त और सेवारत अधिकारियों की मांगों से अवगत कराया, जिस पर सेल चेयरमैन ने उसके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एनके बंछोर जी, नरेंद्र कुमार बंछोर जी, जो बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में नरेंद्र कुमार बंछोर जी दिल्ली प्रवास से लौटे, क्योंकि दिल्ली प्रवास जो उनका जाना हुआ था वो बीएसपी अधिकारियों कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर के, वहाँ पे जो सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश जी से और डायरेक्टर पर्सनल मिस्टर के सिंह जी से काफ़ी देर तक यहाँ चर्चा हुई, बीएसपी होगी और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसका लाभ किस तरह से अधिकारियों को मिलेगा, इन सब का जवाब देने के लिए आइए हम बंछोर सर से ही पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर मीटिंग का मुद्दा क्या है। सर, ग्रैंड एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि आप दिल्ली गए थे विभिन्न बीएसपी अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, तो किस तरह के सर जो प्रमुख मुद्दे हैं वो कौन कौन से रहे और सर उसके समाधान के लिए सेल प्रबंधन द्वारा किस तरह से आश्वासन दिया गया? हम लोग का प्रयास रहता है कि इस बात क्षेत्र में जितने सब में हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आज और उस पहले में काफ़ी अंतर है। तो वो मीटिंग हमारी दोनों विषयों को लेकर थी कि हमारा जो उत्पादन उत्पादता और हमारी लाभप्रदता है उस पर हम लोग काम करें। दूसरा, जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे अधिकारियों की हो, कार्मिकों की हो, सबके लिए हम लोग क्या अच्छा कर पाए, अपने टाउनशिप के लिए क्या अच्छा कर पाए, कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा कर पाए, उस पर हमारा प्रयास था। तो ये मीटिंग काफ़ी समय से लंबी थी। तो ये इस मीटिंग में मुख्य मुद्दे पर देखा जाए तो हम लोगों ने तीन बड़े मुद्दों पर बात की है। एक हमारी टाउनशिप है, क्योंकि टाउनशिप एक पहचान है सभी इस बात नगरी की। दूसरा हमारा मेडिकल है, जिस पर हम लोग काफ़ी काम करना चाहते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं के समय के साथ काफ़ी व्यवस्थाएँ बदली हैं। और तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्पादन उत्पादकता को लेकर हम काम करना चाहते हैं, सेफ्टी को लेकर काम करना चाहते हैं। हमारे जितने भी लोग प्लांट के अंदर काम करते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, ठेका श्रमिक हों, जो भी प्लांट के अंदर जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम लोग ने उस पर काफ़ी चिंतन किया, डिस्कशन हुआ। क्योंकि ये मांगे लेकर नहीं था, मांगे तो हमेशा रहती हैं, क्योंकि समाज रहेगा तो हमेशा हम अपनी तरफ से अपने अधिकारियों की समस्याओं को लेकर, टाउनशिप की समस्या को अपनी मांग रखते हैं। लेकिन ये एक हम लोग का इंट्रेक्शन था, कोशिश थी कि अच्छा ऐसा प्रयास किया जाए कि ये चीज़ें सुधरें और आगे जल्दी सुधरें, और उसका चाहे प्लांट के अंदर को बाहर की समस्याएँ हों। माइंस, माइंस से बहुत बड़ा विषय है, माइंस पर काफ़ी चर्चा होंगी। तो माइंस इन सब का हम लोग जितना ज़्यादा कोशिश करें, उनकी सबकी सुविधाएँ बढ़ें और उनके उत्पादन में वृद्धि, सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान। हम लोग का ये प्रयास था कि जो भी लोग इस्पात नगरी से जुड़े हों, चाहे वो प्लांट के अंदर काम करते हों, प्लांट के बाहर हों, सभी के चेहरे पर मुस्कान, जितनी उनकी समस्याएँ हैं उनका निदान, इस पर हम लोगों ने चिंतन किया। सर, चूँकि अभी देखा जा रहा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में सर, अभी जैसा कि बीएसपी टाउनशिप में देखा जाए तो सर ज़्यादातर जो अधिकारियों की आवाज़ कहे जाए, कार्मिकों के आवास है, जर्जर अवस्था में पहुँच चुके हैं। अधिकांश आवासों में कब्जा सर निर्माण की बात होती है, तो किसी तरह बीएसपी प्रबंधन की ओर से मात्र आश्वासन मिलता है। ऐसे कई अधिकारियों से हमारी चर्चा भी हुई है जो इसे लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सर, मुख्य जो उनकी समस्या आवास को लेकर, उसके लिए किस तरह का बीएसपी हो रही और सेल द्वारा प्रयास किया जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये काफ़ी समय से देखा गया है कि बहुत सारे मकान हमारे आज रहने लायक नहीं रहे। हमने कई मकानों को अनफिट भी घोषित किया, उन मकानों में कब्जे भी है, उसके कई कारण थे, कई राजनीतिक लोगों का उसका प्रश्न लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस बात नगरी की, ना यहाँ की नहीं, दूसरे हमारे बोकारो में भी इस तरह की बातें आती हैं। इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया और हम लोग का ये मानना है कि इन मकानों को रखना अब ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने प्रतिवेदन जहाँ जहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सब में आवेदन लगाकर हम लोग ये प्रयास जरूर करेंगे कि सेल प्रबंधन से लेकर के इस मकानों को शीघ्र अतिशीघ्र उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि यह कि कभी गिरे इनके कारण बहुत जान लेने की संभावना है। और हमारे क्षेत्र में तो ये
कुछ भी हो भले कागज कर जाए लेकिन उनका कोई भी घटना होगी तो हमारे पास आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इन मकानों को शीघ्र ही हटाया जाए और उनकी जगह पर नई टाउनशिप बनाई जाए। नई टाउनशिप बनेगी तो सुविधाएँ बढ़ेंगी, हमारे जो नए अधिकारी आते हैं कर्मचारी आते हैं उनको जब नए मकान मिलेंगे तो उनको अच्छी सुविधा रहने को मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे जैसे भिलाई की बात करें तो भिलाई में 1960-65 के बाद मकान बनना चालू हुए और मकान आज भी हैं। तो 60-65 साल के हिसाब से मकान नहीं बने थे, ये बने भी थे तो वो मेंटेन नहीं हो पाए, तो उनको तोड़कर नए मकान बनना अति आवश्यक हो गया है। दूसरा इसमें कुछ चीज़ आती है कि वो मकान उस समय तो छोटे थे लेकिन आज जो भी लोग चाहे हमारे कर्मचारी OCT ACT आते हैं या हमारे MTT आते हैं वो शुरू से चाहते हैं कि उनको अच्छा मकान मिले, वो एक अच्छे परिवेश में रहना चाहते हैं, तो सुख सुविधाएँ चाहते हैं क्योंकि अब समय बदल गया है। तो हम लोग का भी प्रयास है कि उनको अच्छे मकान दें। तो दो मकान जैसे जो छोटे मकान को जोड़कर बड़ा मकान एक बनाने का भी हम लोगों ने कहा है कि मॉडिफिकेशन ऐसे मकानों में किया जाए जो बनाने को जिनकी गुंजाइश है जिनको हम मेनटेन कर पाए आगे जाके जिनकी लाइफ हो अभी और उसको मॉडिफाई करके हम उनको एक बड़ा मकान देंगे और वहाँ रुकेंगे भी। और एक मकान क्योंकि आप जानते हैं कि संख्याएं हमारे कर्मचारी भी कम होती आ रही, मकान हमारे पास काफ़ी हैं, ठीक है, कुछ मकान हम गिरा भी देते तभी मकानों को सहेज कर रखना संभाल करना मुश्किल होता है, अवैध कब्जे की संभावना रहती है, अगर मकान खाली रहता है तो हम लोग कई प्रयास उसको मॉडिफाई करके अपने कर्मचारी को दिया तो उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, ये हमारा प्रयास था। बाकी मेंटेनेंस को लेकर भी हम लोग ने कहा है कि मेंटेनेंस का एक अभी जैसे अच्छा काम हुआ कि काफ़ी समय से प्रबंधन भी जा रहा था, हम लोग भी जा रहे थे कि NBCC ऐसी कोई बड़ी कंपनी से हम लोग टाई अप करें ताकि वो काम हमें किसी बड़ी एजेंसी के माध्यम से कराना है। छोटी एजेंसी काम देती थी काम छोड़ देती थी उससे काम नहीं पाता था। आपकी बात बिल्कुल सही थी कि मेंटेनेंस का अभाव काफ़ी समय तक रहा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बड़े कॉम्पेट हों टाउनशिप में और काम जो हो वो दिखे, मतलब जो हम बोले हैं वो दिखना चाहिए, क्योंकि टाउनशिप की जो पहले व्यवस्थाएँ थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आम परिवर्तन आए हैं, काम अभी भी काफ़ी हो रहे हैं लेकिन दिखते नहीं क्योंकि वो पुराने मकानों को रिपेयर करके रखना बड़ा मुश्किल है, उनको गिरा कर नए मकान बनाना एक सवाल है। और दूसरा लोगों को जन जागृति भी होनी चाहिए कि कैसे टाउनशिप को सुरक्षित रखना और जितनी हाउसकीपिंग होनी चाहिए जैसे क्या है कि कचरा वगैरह निदान होना चाहिए। आज की तारीख में ऐसी सुविधाएँ आ गई हैं कि कचरे से हम दूसरा उपयोग कर सकते हैं, उसके जगह इकट्ठा करके डंप यार्ड नहीं बनाना, उसको हम लोग बहुत तरीके से उस कचरे करके दूसरे शॉप में दूसरे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, वो हम लोग को चालू करना पड़ेगा। वो चालू हो रहा है धीरे धीरे ऐसा उद्यम चालू होने के आगे आने के समय में जितने भी मेट्रोज हैं वहाँ जो जिस तरह की व्यवस्थाएँ हैं वो हम लोग चाहते हैं कि अपने भिलाई की जो हमारे जितने टाउनशिप्स हैं चाहे भिलाई की हो बोकारो की हो वहाँ की सुविधाएँ नहीं है सर। चूँकि जैसा कि आपने बताया कि मकानों को लेकर के सिर्फ प्रबंधन से चर्चा हुई और इसका नतीजा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन सर दूसरी समस्या है यहाँ पे एक काफ़ी महीनों या अथवा वर्षों से देखने को मिल रही है कि मेडिकल सुविधाओं का सर अभाव बना हुआ है। क्योंकि टाउनशिप क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल और BSP प्रबंधन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं वहाँ सर डॉक्टरों की अनुपस्थिति भी देखने को मिलती है, दवाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। चूँकि लोग जाते हैं तो परेशान होती है और ऐसी शिकायतें हमारे पास लगातार आ रही है। तो सेक्टर 9 में अस्पताल को भी देखा जाए जो जिसका एक समय पूर्व काफ़ी नाम रहा करता था लेकिन अब सर वो स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि सेक्टर 9 में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर के भी प्रबंधन द्वारा बात की जाती है लेकिन ऐसा कुछ देखने को सामने नहीं आता सर और रेफर सेंटर मात्र बन करके रह गया। ये सर सवाल मैंने आपसे पूर्व में भी किया था लेकिन आज भी सर वही स्थिति देखने को मिल रही है। इस पर अभी चिंतन चालू हुआ है, ऐसा नहीं कहता कि मैंने प्रयास नहीं किया लेकिन प्रयास दिखा नहीं। अभी पहले से ज़्यादा हम लोग के पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो बाहर से आउटसोर्स हैं, लेकिन हम लोग का भी मानना है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और हम लोगों ने रिक्रूटमेंट भी निकाला पिछले 2-3 वर्षों में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो छोड़कर चले गए। क्योंकि सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जैसा कि आपने बोला कि आप रिक्रूटमेंट भी निकाला गया था लोग ज्वाइन करके भी, हालांकि सर BSP में एक प्रकार से कहा जाता है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते सर जो एक बार आ जाते हैं, तो ऐसी सर क्या स्थिति है कि जो ज्वाइन करते हैं वो कुछ समय पश्चात छोड़ देते हैं सर? देखिए ये पहले ऐसा नहीं था आप बिल्कुल सही, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में जब से छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में जो नए मेडिकल संस्थान या देश में भी जितने प्राइवेट मेडिकल जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो सैलरी है वो एट पार हमसे ज़्यादा देते हैं, तो आज की तारीख में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको अगर ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता तो हमको हम लोग नहीं पाते क्योंकि हमारे पास सरकार के जो नियम उसके तहत हम उससे ज़्यादा सैलरी उनको नहीं दे सकते, हमारी सीमा है। तो कई कारण वो भी होते हैं, कई कारण हो सकता है कि वो जो यहाँ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वो मेट्रो में काम करना चाहते हैं, ये बड़े हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि हमारा हॉस्पिटल सही है
एक जमाने मध्य प्रदेश के जब समय था तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, आज भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा ये कहना है कि डॉक्टरों को हम नहीं रोक पाए, तो दूसरा एक हमारा प्रयास जो हम लोग ने किया है, जो हम लोग ने मैनेजमेंट से इस बार बात की, ये था कि जो हमारे डॉक्टर्स रिटायर हो गए उनको रखने के लिए एक व्यवस्था की जाए, उनको रोकने की, जैसे ही वो रिटायर होते हैं उनकी सुविधाएं ली जाए और कम से कम 3 साल से 5 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो क्या होगा कि वो रुकेंगे तो कम उनके कारण हमारे बहुत से डॉक्टर, क्योंकि हमारे पेशेंट अपने डॉक्टर्स जुड़ जाते हैं, मतलब डॉक्टर मरीज का एक संबंध बन जाता है, तो वो रहेंगे तो हम चाहते हैं ठीक है सेक्टर 9 हमारा सेक्टर 1 है, हमारी जो ओपीडी की सेवाएँ हैं उनके माध्यम से संचालित होती है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो हमारे सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं जो हमारे साथ सबने सेवाएं दे रहे हैं उनको सेक्टर 1 में हम अच्छा हॉस्पिटल उसको बनाए, सेक्टर 1 को भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल रखें ताकि वो दोनों तरफ चले, सेक्टर 9 में हमारे जो कार्यरत डॉक्टर हैं वहाँ हैं लेकिन हमारा जो सेक्टर 1 उसको उपयोग हो सके। तो ओपीडी क्योंकि अब शहर में क्या है कि आप देखेंगे कि पीढ़ी दूसरी पीढ़ी भी आज रिटायर हो गई है, जो पहली पीढ़ी से पहले रिटायर तो भिलाई में जो आता है वो रह के यहाँ पर बस जाते हैं, यहाँ भिलाई छोड़ नहीं पाता, जब वो यहाँ कर जाता तो यहाँ की जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संख्या बढ़ गई है, उस लिहाज से अब हमारा हॉस्पिटल छोटा पड़ने लगेगा अगर हम व्यवस्थाएँ नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग ये प्रयास जरूर करें कि जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसको आउटसोर्स किया जाए, उसमें हम किसी बड़े हॉस्पिटल से, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम रायपुर में ही अपने एम से बात करें और वो बात हो भी रही है पर वो कितना कर पाएंगे यार, हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स हो, हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मरीज यहाँ है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, स्पेशलिस्ट को हम अगर यहाँ ले आते हैं सुनने में तो एक अच्छा व्यवस्था होगी, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट ने भी कहा कि आप लोग भी प्रपोजल दीजिए, जितने प्रपोजल आप देंगे हम लोग काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ प्रपोजल रेडी हैं, कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं, कंसल्टेंसी मतलब बाहर जो अच्छे सर्विसेज देते हैं, जो इस तरह के हमको कंसल्टेंसी देते हैं कि आपकी सुविधाएँ कैसे बढ़ेंगी उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग का मानना ये शेड्यूल दिखेगा, ये जो चीज़ें हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो आपने कहा टाउनशिप मेडिकल इन पर काम होगा दिखेगा, यहाँ नहीं बल्कि मैं आपको माइंस में भी दिखेगा ऐसा हमारा प्रयास है और इसमें हम लोग लगे हुए। हमारे लिए मूल यही है कि हम लोग चाहते हैं उत्पादन उत्पत्ति की बात हम हमेशा करते हैं, लाभप्रदता का भी काफ़ी कुछ बदला है समय सेल ने टर्न अराउंड किया, हम लोग ने उसमें भी काफ़ी प्रयास है, लेकिन अब ऐसा समय है कि जिसमें हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों में यहाँ के जितने लोग हैं, हम भिलाई के रहवासी हैं या माइंस के रहवासी हैं, हमारे सेल की जितनी टाउनशिप के लोगों को अच्छा सुविधाएँ मिले, और एक जो इस बात की जो टाउनशिप कही जाती थी इस बात टाउनशिप की बात हम लोग करते हैं वो हमेशा लगे वो अलग है बाकी जगह से। सर बैठक में जो बीएसपी के ठेका श्रमिक है सर उनकी समस्याओं को लेकर किसी तरह से चर्चा हुई है सर, क्योंकि अभी लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि ठेका श्रमिकों का सर एक प्रकार से शोषण होता है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर लेते हैं, किसी छुट्टी उनके वेतन को भी दबाने की बातें सामने आती हैं, मजदूरों द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो उनका गेट पास जमा कर लिया जाता है, तो एक प्रकार से सर अभी जैसा पहले कहा जाता था अभी यही कहा जाता है कि ज़्यादा बीएसपी की ज़्यादातर कार्य ठेका श्रमिकों द्वारा संचालित किया जाता है, तो उनका सर शोषण को रोकने जो वर्षों से लगातार जा रहे हैं, हालांकि यूनियनों द्वारा प्रयास किया जाता है लेकिन सर वो कागज में दिखता था धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता, तो सर इनकी समस्याओं को स्थायी रूप से समाधान हो सके इसके लिए किसी तरह की कोई चर्चा हुई है सर? ये चर्चा का विषय ये भी रहा है, पहले भी चर्चा होती थी कि हम लोग सुरक्षा मानकों पर चर्चा करते थे चाहे वो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर्मचारी अधिकारी, लेकिन इस बार जो हमारा सेल प्रबंधन भी इस पर काफ़ी ये उनका भी दृढ़ निश्चय है कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, और हम लोग ने भी जिम्मेदारी ली है, मतलब हम लोग भी अपने जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पदाधिकारी हुए कि उनको भी जागरूक करेंगे कि आप लोग सबसे मिलिए सबसे बात करिए, हर शॉप में जाइए इंटरेक्शन करिए और कहीं भी पता चलता है कि शोषण की कंप्लेन है, हम लोग अपने ठेका श्रमिकों से डायरेक्ट मिलेंगे अभी, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि ये जो बातें आती हैं ये आने वाले समय में ना आए, क्योंकि महारत्न कंपनी के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा कि जब हमें ठेका श्रमिकों का शोषण होता हो, ये शब्द सुनने को नहीं मिले, इसके लिए जो भी भरोसे प्रयास करना हम लोग करेंगे कि ये सच्चाई है कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ कर्मचारी यूनियन के माध्यम से बातें हम लोगों तक पहुँचती थी, लेकिन अभी से प्रबंधन से चर्चा उसमें भी सवाल उठा और प्रबंधन का भी यही कहना है कि इस पर आप लोग पूरा प्रयास करिए, अधिकारियों को जिम्मेदार उनकी बनाई उनकी जिम्मेदारी बनाई है कि वो जहाँ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अधिकारी साइन करता है जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी साइन करता है तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा करे, किसी तरीके से कोई भी तरीके की समस्या हो तो उसको हम लोग भी इस बार सुनेंगे, क्योंकि अभी हमारे लोगों ने उस लेवल में अभी अपना प्रयास नहीं किया था कि हम लोग ठेका श्रमिकों से प्लांट में जाकर मिले, लेकिन हम लोग जितने भी हमारे ठेका श्रमिक हैं उनसे मिलेंगे और उनकी बातें समझेंगे और जहाँ भी लगेगा करेक्शन करना है
थोड़ा करप्शन कराएं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, शोषण का शब्द कम से कम इस महात्मा कंपनी से हट जाना चाहिए, शोषण को किसी का करना चाहिए किसी का। सर एक अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि बीएसपी में पिछले कुछ वर्षों से दुर्घटनाएं भी काफ़ी देखने को मिली हैं, छुटपुट घटनाएं तो कहा जाएगा लगातार होते रहते हैं, कुछ दिन पूर्व ही सर बीएसपी के एक अधिकारी द्वारा लोगों की चपेट में आ रहे हैं सर, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो दुर्घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने जिस तरह के सर मापदंड अपनाया जाना चाहिए, हालांकि बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जाती, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उसका असर भी देखने को नहीं मिलता, आज दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं सर। ये सुरक्षा को लेकर तो काफ़ी समय से लोग चिंतित करते हैं, और दो बड़ी दुर्घटनाएं हम लोग के लिए बहुत बड़ा दाग भी हैं, जिला में 2014 की घटना, 2018 की घटना, और उसके बाद से सुधार काफ़ी हुए, लेकिन सुधार जैसे कहा ना कि सुरक्षा मापों में 1% या 0.1% या 0.01% भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी घटना एक बड़ा नुकसान करती है, बड़ी घटना की वजह आती है, तो हम लोग का ये प्रयास है, लेकिन और प्रयासों में गति लानी पड़ेगी, कि अभी भी वो सुनाई देता है जहाँ रिपीटेटिव किस तरह की घटनाएं होती हैं, हम लोग ने भी जागरूकता करने का प्रयास किया, हम लोग सुरक्षा की कमेटी बना रहे हैं ओए में, और जो प्लांट के अंदर जाकर जागरूकता अभियान चलाई, जागरूकता पहले जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग मतलब हमारे अधिकारी कर्मचारी संसद हजारों की संख्या में इनका शामिल भी आते हैं, और कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं, एक तो जानकारी नहीं होती तो गलतियाँ कर जाते हैं, और जानकारी होने के बाद और कॉन्फिडेंस होता है, जो सुरक्षा जो एक्सीडेंट आप देखेंगे वो दो कारणों से हो रहा है, ये तो एक कारण है कि हम लोग को किसी मशीन के बारे में या उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं रहती, वहाँ कुछ काम ऐसा कर जाते हैं जहाँ पर टूटना कट जाती है, और दूसरा ये होता है कि हमको मालूम है कि ये काम हम रोज़ करते हैं, लेकिन और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मतलब उसको शॉर्टकट करने से या जो हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है काम करने का, हम लोग उसको SMP SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, उसमें कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं, उससे दुर्घटना होती है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहा है, भिलाई प्रबंधन ने भी काफ़ी काम भी किया है, लेकिन हम लोग सेल स्तर पर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मतलब एक बूंद खून भी किसी का निकले, या कोई भी छोटी सी घटना होती है वो भी ना हो, बल्कि मतलब हम आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सेल में कि ऐसी कंपनी है जहाँ पर घटनाएं होती नहीं, उस बात को करने के लिए सबको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हम लोग ने अपने इंजीनियर्स को सबको कहा है, लेकिन हम लोग इस बात को हर मीटिंग में रखेंगे, इवन हम लोग ने भी डिसाइड किया कि हम अपना जो ओए का मीटिंग होता है उसमें भी सुरक्षा शपथ लें, और शपथ के साथ साथ काम भी करें, शपथ लेना तो अच्छा है लेकिन शपथ को निभाना थोड़ा होता है, जिसमें समय आपको देना होता है, हम लोग जो भी सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला आएंगे, हम लोग ने ये प्रयास किया अपने जितने जेड़ा हमारे उनको हमने कहा कि आप लोग जाइए लोगों से बात करिए, और हमारी जो हमने पहली बार जो सुरक्षा कमेटी बनाई है, सिर्फ सुरक्षा के अलग से कमेटी बनाएंगे, उसको भी हम लोगों ने काम दिया है, तो काम मुझे लगता है कि कल से ही दिखने लगेगा, हम लोग आने वाले समय में इस पर काफ़ी कुछ काम करेंगे जो पहले से बदलने का समय बन जाएगा। सर नई माइंस को चालू करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाए? देखिए नई माइंस का मैंने कहा कि जब वो डिस्कशन हमेशा रहता है कि उत्पादन उत्पादकता बढ़ानी है, तो हमारे जो रानी राजा दली राजा के माइंस से वो उसका डिस्कशन काफ़ी हो चुका है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय है, तभी भी हम लोग अपने स्तर पर ये प्रयास जरूर करेंगे कि जो पेड़ों की कटाई रॉबर्ट पर होती है उसे शीघ्र चालू किया जाए, और साथ साथ जो कड़वा नागौर के प्लान से मिला है उसमें उस माइंस को भी शीघ्र चालू किया जाए, तो उसके लिए जो भी व्यवस्थाएँ रहेंगी हम उस पर काम करेंगे, कहीं रुकावट होगी तो उसके लिए वो खड़ा रहेगा, सेफी खड़ा रहेगा, तो हमारा ये प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र माइंस पर ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को, बाकी प्लांट अब करीब करीब नॉर्मल चल रहे हैं, जो हमारा पहले प्रोजेक्ट था आप सुनते रहेंगे प्रोजेक्ट में डिले है, ये प्रोजेक्ट के जो हमारे नए प्लांट्स आए उसमें समय लग रहा था, सब रैंपअप हो चुके हैं, सभी अपना प्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, सुनते भी हम बारह माध्यम से, लेकिन माइंस पर जो नई माइंस हमारी आनी है उसमें देरी हुई है, और गंभीर विषय भी आने वाले समय में हमारा प्रॉफिट उसी पर डिपेंड करता है, तो उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास बढ़ाएंगे, जितना अपने मुख से हो सकता है प्रयास करेंगे, हम लोग जल्दी दोनों माइंस का विजिट भी करेंगे और वहाँ की समस्याओं को लेकर प्रबंधन से जिला प्रबंधन से पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, ये थे हमारे साथ एमके बंछोड़ जी, नरेंद्र कुमार बंछोड़ जी, जो अभी दिल्ली प्रवास से लौटे हैं, दौरान उनकी लगातार सेल चेयरमैन से चर्चा हुई और अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई, जो वर्तमान में देखा जाए तो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो अनेक जो चीज़ें सामने देखने को मिली, जैसे अधिकारियों कर्मचारियों के आवासों को लेकर के, कहें मेडिकल सुविधा को लेकर के, नए माइंस शुरू करने को लेकर के, साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या जो देख रही है अभी
वर्तमान में कोई श्रमिकों के शोषण से संबंधित है, इन तमाम बातों पे वहाँ पे गंभीरता पूर्वक ओए के पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई है। इसके जो परिणाम है सार्थक रूप से निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओए का लगातार यह प्रयास रहा है कि अधिकारियों से जुड़ी किसी अधिकारियों के हितों से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। यही वजह है कि नरेंद्र बंसोड़ जी लगातार चुनाव जीतते हैं और अधिकारियों द्वारा इस पर पूर्णतः भरोसा किया गया है। अब देखने वाली बात यह ये हाल ही में जो बैठक हुई इसके नतीजे कितने लाभदायक होते हैं, उसका क्या परिणाम सामने देखने को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।